हेलो, नमस्कार। आई एम डॉक्टर अमित चतुर्वेदी, रीजनल डायरेक्टर, इग्नू रीजनल सेंटर, नोएडा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द स्टूडेंट, दोज हु हैव टेकन एडमिशन इन इग्नू इन दिस साइकिल। दिस इज़ द इंडक्शन मीटिंग एंड आई विल लेट यू नो about the concept of the open and distance learning system in IGNU and how it is different from the conventional education system। जहाँ तक सवाल आता है, एडमिशन के बाद आपको इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड सपोर्ट की इंक्वायरीज की ज़रूरत होती है, तो इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे इस सेशन में सबसे ज़्यादा। देन वील एडवाइज यू कि व्हाट यू हैव टू डू इन द ओपन एंड सिस्टम एंड सपोर्ट। द इफेक्टिव सपोर्ट सर्विसेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटीज, स्पेशली इन द ओपन यूनिवर्सिटीज़। जहाँ तक ओपन यूनिवर्सिटीज़ का सवाल है, फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस वगैरह करते हैं। स्ट्रेटेजी, जो ऑब्जेक्टिव्स की बात आती है, सपोर्ट सर्विसेज की बात आती है, तो हम लोग एडमिशन, एग्जामिनेशन और काउंसलिंग असाइनमेंट्स वगैरह के बारे में स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, इस बार हम लोग फेस टू फेस हम लोग बात नहीं कर पा रहे, इग्नू के अथॉरिटीज़ नहीं बात कर पा रहे हैं, तो हम लोग गूगल मीट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा ही आप लोगों के समक्ष जा रहे हैं। और जहाँ तक है, आप लोग इसका टाइम यूटिलाइजेशन करिएगा। जहाँ तक इग्नू का सवाल है, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1985। इट इज़ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के समकक्ष है, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या कोई भी अन्य विश्वविद्यालय है, उसके समकक्ष हैं। इसके सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन से रिकॉग्नाइज है। और ये तो बस अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की जब बात करती हैं, उनकी मेथडोलॉजी डिफरेंट है। और ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की बात है, इग्नू की बात है, या अदर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात है जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स में बनाई गई हैं, उनका ऑब्जेक्टिव, उनकी मेथडोलॉजी अलग है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन एट द डोर स्टेप्स ऑफ द लर्नर्स। हम लोगों का मेन उद्देश्य, इग्नू का उद्देश्य ये है कि आपको हायर एजुकेशन आपके घर तक पहुँचाएँ, द्वार तक पहुँचाएँ, जिससे कि बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो इंटरमीडिएट के बाद हमारे बॉयज़, गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स नहीं जा पाती हैं, बाहर नहीं जाती, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हम दूर नहीं भेजेंगे, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी इग्नू ने दी है कि आपके घर पर हम लोगों ने एजुकेट एक इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दिया है और प्रोवाइड कर दिया है। एंड यू हैव टू टेक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है, आप लीजिएगा। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड द हाई क्वालिटी एंड इक्विटी एजुकेशन टू ऑल दोज हु सीक्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, रीजन, रिलीजन एंड जेंडर, और इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल जेंडर्स का, किसी भी तरीके का, कोई भी किसी भी तरीके से इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एंड वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन, वो अच्छी एजुकेशन, समान एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का दिल्ली का विद्यालय हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, या मध्य प्रदेश का, या कारगिल का है, या जम्मू कश्मीर का है, या लेह लद्दाख का है, कहीं का भी विद्यार्थी है, उसको हम समान अध्ययन सामग्री दे रहे हैं। हम लोग कोई किसी भी तरीके का कोई इंडिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, इग्नू नहीं करती है, और ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड वी आर गिविंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट बाई प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एंड इक्विटी स्टडी मटीरियल। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग द डिस्टेंस एजुकेशन इंडिया। इग्नू का थर्ड उद्देश्य है ये स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ को, उनको प्रमोट करना, उनको डेवलप करना, उनको डिस्टेंस एजुकेशन के लिए सलाह देना कि किस तरीके से डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में काम करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से स्टडी मटेरियल देना है, किस तरीके से सपोर्ट सर्विसेज देनी है, तो उसके सारे डेवलप करना, स्टैंडर्ड डेवलप करना, स्टैंडर्ड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन लाइक एन इन कंट्री एज एन एपेक्स बॉडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं इग्नू का। तो जैसे जहाँ तक फीचर्स की बात आती है, इग्नू के फीचर्स हैं, देर आर द नंबर ऑफ द यूनिक फीचर्स। इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन, इग्नू का ज्यूरिसडिक्शन है इंटरनेशनल। जहाँ तक पूरे अन्य विश्वविद्यालय हैं, उनका ज्यूरिसडिक्शन उसी शहर तक रहता है जिसमें वो स्थापित की गई है। बट जहाँ तक इग्नू का
जुरिस्डिक्शन की बात है, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं वरन विदेशों में भी हमारे इग्नू के सेंटर्स हैं, एंड उसमें सब में समान एजुकेशन हम लोग सब इक्विटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन का मतलब हमारा जम्मू कारगिल से लेके कन्याकुमारी तक, लेह लद्दाख और जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट में अगरतला से लेके वेस्टर्न में कच्छ तक, सब हमारे अध्ययन केंद्र हैं, रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं इग्नू ने, और उसका इंटरनेशनल जो है, और कोई भी विद्यार्थी जब चाहे अपना ट्रांसफ़र एक क्षेत्रीय केंद्र से दूसरे क्षेत्रीय के, एक अध्ययन केंद्र से दूसरे अध्ययन केंद्र में चेंज कर सकता है, उसमें देर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर दी, उनकी कोई पढ़ाई में व्यवधान नहीं पड़ेगा जो जुरिस्डिक्शन की बात है। परंतु किसी अन्य विश्वविद्यालय में यदि स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उनको पेरेंट्स को ये समस्या आ जाती है कि विद्यार्थी वो कहाँ, क्योंकि यदि बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लिया है उसको 3 साल कम से कम उसी शहर में रहना पड़ता है, तो वो हॉस्टल में रहे या कहीं किराए के मकान में रहता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। बट एज़ फार एज़ द इग्नू इज़ कंसर्न, विद्यार्थी केवल एक ईमेल पर एक चिट्ठी लिखकर हम लोग को इग्नू के रीजनल सेंटर, कंसर्न रीजनल सेंटर को भेज कर अपना क्षेत्रीय केंद्र चेंज कर सकता है। दूसरी चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिशन, एडमिशन की बात है, हमारे यहाँ 2 बार एडमिशन होता है जनवरी और जुलाई साइकिल में। जो भी विद्यार्थी जनवरी में किसी तरीके से एडमिशन नहीं ले पाते हैं, वो उनको एडमिशन की अपॉर्चुनिटी जुलाई साइकिल में मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द प्लेस एंड पेस एंड ड्यूरेशन, जैसा मैंने बताया कि विद्यार्थी कभी भी अपने अध्ययन केंद्र चेंज कर सकता है, एक स्थान से जैसे नोएडा का है विद्यार्थी, वो दिल्ली जाना चाहता है वो दिल्ली जा सकता है, भोपाल जाना चाहता है भोपाल जा सकता है, रायपुर जाना चाहता है रायपुर, आराम से हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं और अकॉर्डिंगली वो अपनी पढ़ाई में बिना व्यवधान के पढ़ता रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड ड्यूरेशन की बात है, हमारे सारे कार्यक्रम चाहे सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो या बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री, एक मिनिमम ड्यूरेशन है और मैक्सिमम ड्यूरेशन है। तो उस अंतराल में, जो ड्यूरेशन में आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है, यदि सपोज करिए बैचलर्स डिग्री का 3 साल का कोर्स, 3 साल का है प्रोग्राम है, और यदि नहीं कर पाता है तो वो 6 साल तक वो कंप्लीट कर सकता है, तो उसमें उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, उसको फीस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है और उसका वैलिडिटी वही रहेगी। और जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है, परंतु मेरा आप लोगों सबको निवेदन है कि आप लोग मिनिमम ड्यूरेशन में ही कोशिश करें कि अपना कोर्स कंप्लीट करें और अपने और हायर स्टडीज़ के लिए जाएं या अपने रोजगार के लिए जाएं। यूज़ ऑफ लेटेस्ट ICT और इम्पार्टिंग एजुकेशन, हम लोग जहाँ तक इग्नू का सवाल है, इग्नू ऑफिशियल्स बहुत सारी क्लासेस वगैरह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं और एग्जाम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, और हमारे फेसबुक लाइव सेशंस होते हैं, गूगल में सेशंस चल रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस हैं, वी आर ऑर्गेनाइजिंग काउंसलिंग सेशंस, तो विद्यार्थियों को एजुकेशन है। और उसके अलावा भी ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और भी चैनल्स हैं जहाँ से हम लोग विद्यार्थियों को एजुकेशन, नेशनल वाइड स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की बात करता है, जैसे मैंने बताया कि इग्नू का क्षेत्राधिकार पूरे देश में है, विदेशों में भी है, तो नेशनल वाइड स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हमारा मेन उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छी सपोर्ट सर्विसेज दें, जिससे कि कोई विद्यार्थी किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए वंचित ना रह जाए। कॉस्ट इफेक्टिव है हमारे प्रोग्राम्स, मॉड्यूलर अप्रोच है प्रोग्राम्स की, एंड कन्वर्जेंस ऑफ द ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की। अदर फीचर्स की जहाँ तक बात है, इग्नू बहुत अपने टाइम बाउंड है, अपने सारे एडमिशन वी कंडक्ट एडमिशन ट्वाइस इन ईयर, जनवरी एंड जुलाई, जैसे मैंने पहले बताया, हमारा टाइम बिल्कुल फिक्स रहता है। जनवरी का एडमिशन हमारा 30 सितंबर तक ख़त्म हो जाता है, जुलाई का एडमिशन हमारा 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाता है, बट ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक इस बार हमारे लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है, जुलाई एडमिशन की लास्ट डेट अब 31 दिसंबर तक कर दी गई है, तो वो थोड़ा सा बढ़ा करना पड़ा है हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में के रिजल्ट नहीं निकल पाए हैं ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक, तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया है, इग्नू ने ये कोशिश किया है कि वो उनको एडमिशन की अपॉर्चुनिटी दे दिया है, जो बिकॉज ऑफ नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट वो वंचित रह गए एडमिशन के लिए, वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू
टू द स्टूडेंट टू टेक एडमिशन फॉर जुलाई 2020 से साइकिल बाई 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, और जिन्होंने ले लिया है उनको लिए बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज़, टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ द सेल्फ सप्लाई ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात करते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग बढ़िया से बढ़िया, सबसे अच्छा मटेरियल वी आर प्रोवाइडिंग, और टाइम पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और जिन विद्यार्थियों को बाई पोस्ट हमारा मटेरियल जाता है इमीडिएटली आफ्टर द लेटर ऑफ आफ्टर इशूइंग द लेटर ऑफ कन्फर्मेशन वी सप्लाई द सेल्फ लर्निंग मटेरियल, बट देयर इज़ अ टाइम गैप बाई सेंडिंग द मटेरियल एंड पैकिंग द मटेरियल एंड सेंडिंग टू द पोस्ट ऑफिस, तो उसमें थोड़ा सा डिले होता है। तो विद्यार्थियों को उसमें लेटर ऑफ कन्फर्मेशन में हम लोगों ने बताया हुआ है कि विद्यार्थी अपना मटेरियल ई ज्ञान को से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ट्वाइस इन ईयर, दिस इज अनदर यूनिक फीचर ऑफ द यूग्नू। वी कंडक्ट एवरी ईयर वी कंडक्ट एग्जामिनेशन ट्वाइस इन ईयर इन जून एंड दिसंबर, एक जून से और एक दिन, फिक्स डेट है हमारी एक जून और एक दिसंबर। यदि विद्यार्थी किसी भी एग्जामिनेशन में ले सकता है, सेमेस्टर वाइज दे सकता है इम्तहान, और उसके लिए डेट्स भी फिक्स हैं हम लोगों की, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इफ़ 1 जून और 1 दिसंबर को इफ़ देयर इज संडे देन वी कंडक्ट द एग्जामिनेशन फ्रॉम वी स्टार्ट आवर एग्जामिनेशन फ्रॉम 2nd, अदरवाइज 1 जून एंड 1 दिसंबर इज द फिक्स, और विद्यार्थी अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकता है, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकता है। तो थर्ड टू फोर्थ बात जाती है डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन और बिफोर 45 डेज आफ्टर द एग्जामिनेशन। सबसे बड़ा फीचर ये है कि इग्नू का रिजल्ट 45 दिन से पहले पहले हमारा रिजल्ट निकाले। एग्जामिनेशन जैसे 30 जून को इम्तहान ख़त्म हुआ, एग्जाम जून का एग्जामिनेशन, तो 15 अगस्त तक हमारा रिजल्ट आ जाता है। ऐसे ही दिसंबर की जब बात करते हैं तो दिसंबर का रिजल्ट हमारा 15 फरवरी तक इग्नू की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। दिस इज़ द बेस्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, बट जहाँ तक इग्नू में है, टाइम बाउंड डिक्लेरेशन, टाइम बाउंड ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड टाइम बाउंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, कंडक्ट ऑफ कन्वोकेशन एवरी ईयर। किसी अन्य विश्वविद्यालयों में कन्वोकेशन नहीं होता है, बट इग्नू की बात नहीं होता है, यानी बहुत दिन बाद, दो दो साल, तीन तीन साल, चार चार साल लग जाते हैं और डिग्री के लिए वंचित रहता है। बट इग्नू का एक बहुत बड़ी फीचर है कि वी कंडक्ट द कन्वोकेशन एवरी ईयर, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी या मार्च या अप्रैल के बीच पर हम लोग इग्नू अपना कन्वोकेशन कर लेती है। और इग्नू के ये बहुत बड़ी विशेषता है कि एवरी ईयर वी कंडक्ट द कन्वोकेशन एंड वी रिलीज द डिग्रीज ऑफ द ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स। जहाँ तक मैंने जैसे बताया है, मैं नोएडा रीजनल सेंटर पे हूँ, रीजनल डायरेक्टर हूँ, और जहाँ तक नोएडा रीजनल सेंटर की बात है, इग्नू रीजनल सेंटर नोएडा वाज एस्टेब्लिश इन 2009 में इट वाज एस्टेब्लिश एंड इट इज़ द बिगेस्ट रीजनल सेंटर ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में 4 रीजनल सेंटर हैं, लखनऊ, बनारस, लखनऊ सेंट्रल यूपी को देखता है, बनारस ईस्टर्न यूपी को देखता है, एंड नोएडा अलीगढ़ वेस्टर्न यूपी को देखते हैं। तो जहाँ तक है, नोएडा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजनल सेंटर ऑफ द वेस्टर्न यूपी एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ द ईस्ट दिल्ली हैज़ ऑल्सो बीन क्लब्ड विद आरसी नोएडा, यानी इट मीन्स इसमें हमारी 16 डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न यूपी के आते हैं, जो कि मैंने बताया आगरा, अमरोहा, बागपत, बजनौर, बुलंदशहर, ईस्ट दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिसको कहते हैं, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद एंड मुजफ्फरनगर, रामपुर, संभल, सहारनपुर, शामली, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट दिल्ली का भी कुछ पार्ट हमारे नोएडा के साथ संबद्ध किया गया है, तो उसको क्या है। जहाँ तक इग्नू नोएडा की बात है, यहाँ 69 लर्नर सपोर्ट सेंटर हैं, रेगुलर सेंटर्स हमारे 33 हैं, प्रोग्राम स्टडी सेंटर जो प्रोग्राम स्पेसिफिक हो, जैसे कंप्यूटर्स प्रोग्राम के लिए अलग है, एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए अलग है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स के लिए, तो 27 हमारे सेंटर्स हैं। रिकॉग्नाइज सेंटर की बात है, 1 सेंटर है हमारा। स्पेशल सेंटर्स 8 हैं। स्पेशल सेंटर्स आर क्रिएटेड बाई द यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन टू द मार्जिनलाइज सेक्शन। मार्जिनलाइज सेक्शंस को, जैसे जेल इन मेट्स की बात है, वुमेन की बात है, माइनॉरिटीज की बात आती है, रूरल एरियाज की बात होती है, SC ST जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस है उनके लिए स्पेशल सेंटर्स इग्नू ने प्रावधान किया है, सेंटर बनाए गए हैं। जहाँ तक जेल इन मेट्स की बात है, हमारे पास 4
चार सेंटर, स्पेशल सेंटर्स हैं जो सेंट्रल जेल्स में बनाए गए हैं, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद एंड मेरठ में चार सेंटर हैं, जबकि ये उद्देश्य बनाएगी कि जेल इनमेट्स जब वो रिलीज हों, अपने जेल से बाहर निकलें तो अपने परिवार के साथ एक अच्छे नागरिक बन के जाएँ, पढ़ के जाएँ, अच्छा एजुकेशन लेके जाएँ। ऐसी वुमेंस के लिए एक हम लोगों ने मेरठ में बनाया है, इग्नू ने बनाया, इग्नू आरसी नोएडा ने। माइनॉरिटीज़ के लिए दो हैं, मथुरा एंड अमरोहा। रूरल एरियाज में वृंदावन मथुरा में एक सेंटर हमारा है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने वाली बात है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात आती है तो आप लोगों को ध्यान है, ये इंडक्शन मीटिंग है, इसमें सबसे पहले एडमिशन और असाइनमेंट री रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेटर ऑफ कन्फर्मेशन, जैसे ही आपका एडमिशन कन्फर्म होता है, हम लोग भी ये सेंड द लेटर ऑफ कन्फर्मेशन, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होती है चेक योर क्रेडेंशियल, जो भी इंफॉर्मेशन दी है प्रिंटेड इन द लेटर ऑफ कन्फर्मेशन वेरी केयरफुली। इफ़ देर इज़ एनी मिस्टेक, टाइपोग्राफिक एरर, मिस प्रिंट इन द, इट मस्ट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द रीजनल डायरेक्टर बाई सेंडिंग ई मेल टू आर सी नोएडा इग्नू। अदरवाइज बाद में यदि आपको पता चलता है तो गड़बड़ होता है, क्योंकि उसमें आपकी जो मार्कशीट वगैरह में गलत नाम वगैरह चल जाता है, तो उस टाइम फिर करेक्शन कराना मुश्किल होता है। तो जैसे ही आपको लेटर ऑफ कन्फर्मेशन मिलता है तो उसको बड़ी केयरफुली आप देखिएगा, उसमें कोई भी करेक्शन है इमीडिएटली इट मस्ट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ रीजनल डायरेक्टर, कंसर्न रीजनल डायरेक्टर बाई सेंडिंग द ई मेल rcnoida@ignu.ac.in। सेकेंड बात यह है कि रिमेंबर योर एनरोलमेंट नंबर अलॉटेड बाई द रीजनल सेंटर, 10 डिजिट्स का नंबर है 2020 से 10 डिजिट्स का नंबर, उससे पहले 9 डिजिट्स का नंबर था। जो एनरोलमेंट है उसको ध्यान में रखिएगा, ध्यान रखिएगा उसको अपने पास हमेशा रखिएगा। कीप योर आइडेंटिटी कार्ड वेन एवर यू विजिट टू द रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर और एग्जामिनेशन है। आइडेंटिटी कार्ड लेटर ऑफ कन्फर्मेशन के साथ इशू करते हैं और उसको आप अपने पास जब भी रीजनल सेंटर आएँ, स्टडी सेंटर आएँ, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जाएँ, तो आप अपने पास आइडेंटिटी कार्ड रखिए। दैट इज़ योर प्रूफ, दैट इज़ अ प्रूफ दैट यू आर द स्टूडेंट ऑफ इग्नू। रेगुलरली विजिट इग्नू वेबसाइट www.ignu.ac.in पर आप विजिट करते रहिए और हर चीज़ देखते रहिए, और उसमें भी हमारी चेक कर लीजिएगा इग्नू की वेबसाइट पे आपका नाम सही है, आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम डाल के अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। इफ़ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी, इफ़ देयर इज एनी टाइपोग्राफिक एरर और इफ़ देयर इज एनी मिस्टेक, प्लीज़ ब्रॉट टू द नोटिस टू द रीजनल डायरेक्टर। वेन एवर यू सेंड एन ई मेल प्लीज़ राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर एंड प्रोग्राम ऑफ योर स्टडी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास ई मेल भेज देते हैं और ई मेल में अपना नाम नहीं लिखते हैं, एनरोलमेंट नहीं लिखते हैं, प्रोग्राम ऑफ स्टडी नहीं लिखते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑफिशियल्स ऑफ द रीजनल सेंटर टू लोकेट द पर्सन। तो फिर हम उसको विद्यार्थी को जवाब देते हैं कि आप प्लीज सेंड योर एनरोलमेंट नंबर सो एंड प्रोग्राम सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई और फिर उसको हम करेक्शन करेंगे। यदि कोई आपने बताया कि हमें चेंज करना है रीजनल सेंटर बट यू हैव नॉट गिवन योर एनरोलमेंट नंबर, सो हाउ विल चेंज द रीजनल सेंटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आप अपना वेन एवर यू सेंड योर ई मेल प्लीज राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर एंड प्रोग्राम सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई यू एंड वी मे टेक द करेक्टिव एक्शन एज रिक्वायर्ड बाई यू। हम लोग कर सकते हैं एंड ट्राई टू सेंड कम्युनिकेशन थ्रू ई मेल, अवॉइड टू सेंड द लेटर्स बाई पोस्ट। मेरा कहने का मतलब है ज़्यादातर मेल आप ई मेल पर भेजिएगा, लेटर मत भेजिए बाई पोस्ट, और सेव द पेपर्स, पेपर्स को बचाइएगा, केवल बाय ईमेल लेटर भेजिएगा। मैं जहाँ तक मेरा सवाल है एज ए रीजनल डायरेक्टर और माय कलीग्स उसको रेगुलरली चेक करते रहते हैं ईमेल्स को और उस पर एक्शंस लेते रहते हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू कम्युनिकेट विद अस विद ईमेल ओनली, नॉट सेंडिंग बाय द पोस्ट लेटर एंड सेव द पेपर्स। जो गवर्नमेंट का भी है एंड री रजिस्ट, जहाँ तक बात आती है री रजिस्ट्रेशन की बात है, री रजिस्ट्रेशन उसको कहते हैं जब एक सेमेस्टर में एडमिशन हो जाता है, फ्रेश एडमिशन ले लिया है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना, तो उसके लिए री रजिस्ट्रेशन कराना है, या बैचलर्स डिग्री में, मास्टर्स डिग्री में फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर, या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जाना है, या मास्टर्स डिग्री में फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाना है तो उसको री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो डेट्स एज फार एज इग्नू इज कंसर्न, री रजिस्ट्रेशन की डेट बिल्कुल फिक्स है, डेट 31 मार्च फॉर जुलाई एडमिशन एंड 30 सितंबर फॉर जनवरी एडमिशन साइकिल रहती हैं। यू मे फिल द री रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन एंड मेक द पेमेंट थ्रू द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट
कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको रीजनल सेंटर आने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन ऑनलाइन एडमिशन, हमारे एडमिशन रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों ऑनलाइन कर सकते हैं और उसमें अवेलेबल है। एंड मेक योर पेमेंट थ्रू द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। प्लीज डोंट फॉरगेट टू री रजिस्टर योर सेल्फ ऑनलाइन इन द नेक्स्ट सेमेस्टर और ईयर इन द मास्टर्स डिग्री बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम एज पर द डेट्स और स्पेसिफाइड अबव। तो आप ध्यान रखिएगा, आप लोगों का फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, आपको नेक्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में या सेमेस्टर वाइज एडमिशन लिया है तो सेकेंड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन कराना मत भूलिएगा। उसकी वेबसाइट पर हमारी डेट्स वगैरह रहते रहते हैं। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड और असाइनमेंट से रिलेटेड। तो जहाँ तक सवाल है टर्म एंड एग्जामिनेशन में, जैसा मैंने पहले भी बताया, इग्नू कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन ट्वाइस इन ईयर। बट एक बात ध्यान रखिए, प्लीज़ सबमिट योर रिक्विजिट नंबर ऑफ असाइनमेंट कंपल्सरीली एट योर स्टडी सेंटर और गूगल लिंक जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है एज पर द नॉर्म्स ऑफ इग्नू। नो स्टूडेंट विल बी परमिटेड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन विदाउट द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट। एंड असाइनमेंट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द इग्नू सिस्टम, और असाइनमेंट आपको करना ही करना है कंपल्सरी बिफोर द अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो आप ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट सबमिट करिएगा अपने टाइम पर। प्लीज सी योर प्रोग्राम गाइड अबाउट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बारे में देखिएगा। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है उनका, सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन, ईयर वाइज का भी हम लोग सेमेस्टर से करते हैं प्लान, बट जहाँ तक ईयरली एग्जामिनेशन हम लोग कंडक्ट कराते हैं। कीप योर आइडेंटिटी कार्ड वेन एवर यू विजिट योर एग्जामिनेशन सेंटर। जैसा मैंने पहले भी बताया, आइडेंटिटी कार्ड इज द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट एंड यू हैव टू कीप विद यू वेन एवर यू विजिट टू द एग्जामिनेशन सेंटर और इवन स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर। एंड ट्राई टू सेंड योर कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, मैंने पहले ही बताया। As far as the submission of examination forms are concerned, dates are also fixed because हमारा 1st June और 1st December से examination होता है। For 1st June, 31st March is the last date and for the December examination, 30th September. But due to this time, June का examination हम लोगों को इग्नू को सितंबर अक्टूबर में कराना पड़ा, और दिसंबर का भी एग्जामिनेशन हम लोग या इग्नू फरवरी में करा रही है, तो इसलिए हम लोगों ने लास्ट डेट भी पढ़ा है। तो आप देख लीजिएगा एग्जामिनेशन वेबसाइट पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू फिल द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन वेन एवर यू आर इंटरेस्टेड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन विद इन द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम ऑफ योर स्टडी एज पर द डेट्स स्पेसिफाइड एज अबव। मेक द पेमेंट ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। दिस इज़ ऑल अबाउट दी है हमारे अदर कलीग्स हैं, हमारे तीन डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो दे विल लेट यू नो अबाउट दी एडमिशन एंड डी रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक काउंसलिंग। माई अविनाश मोहन सकलानी डिप्टी डायरेक्टर, ही विल लेट यू नो अबाउट दी कम्प्रहेंसिव, ही विल लेट यू नो अबाउट दी एडमिशन डी रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक काउंसलिंग। डॉक्टर श्रीरान मुखर्जी इज अनदर डिप्टी डायरेक्टर, शी विल लेट यू नो अबाउट द एवेल्यूशन सिस्टम, मोडलिटीज ऑफ असाइनमेंट, टर्म एंड एग्जामिनेशन। मकबूल अली लस्कर, ही इज ऑल्सो अनदर डिप्टी डायरेक्टर, ही विल लेट यू नो अबाउट द प्रोजेक्ट एवेल्यूशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, स्टडी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड डिलीवरी ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ही विल लेट यू नो। एंड अंजना इज अनदर असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर एंड शी विल लेट यू नो अबाउट द वेब सपोर्ट, ग्रीवेंसेज, रेड्रेशल एंड सोशल मीडिया। एंड विद दीज वर्ड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग एडमिशन इन इग्नू, इट इज़ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसा मैंने बताया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप के भविष्य के लिए, और जहां तक COVID-19 पेंडेमिक की वजह से है, आप ऑनलाइन रहिएगा। एग्जामिनेशन जब भी हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल SMS के द्वारा भेजें, आप लोग उसको ऑनलाइन जरूर अटेंड करिएगा, और कीप सोशल डिस्टेंसिंग एंड कीप योर मास्क ऑलवेज विद यू।